उनका आशीर्वाद सदैव साथ रहता है। माता पिता का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। आज वो नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ पूरी तरीके से है। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके द्वारा बनाए गए संबंध, वही मेरा संबल बने हुए हैं। ये अगर हम बात करें दुर्ग संभाग की बात करें तो केवल 2 सीट भाजपा लाई थी, बाकी पूरा आप लोगों का गढ़ माना जाता है। 5-5 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 5-5 मंत्री यहाँ पे। इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहाँ पर हम सभी की सभी सीट जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज देख रहे हैं माथे पे लंबा टीका है, कई तरह के टीका नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सा मंदिर गए? देखिए, मैं मतदाताओं को अपना भगवान मानता हूँ। मैं यहाँ मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर,